दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे अग्निवीर आर्मी जीडी का जो ऑनलाइन एग्जाम होगा उसका सिलेबस क्या रहेगा। आपको इस वीडियो में सिलेबस दिखाया जाएगा और सिलेबस का पीडीएफ भी उपलब्ध करवाया जाएगा। वीडियो पूरी देखनी है और देख लो कि अग्निवीर जीडी के लिए सिलेबस क्या रहेगा 2023 में जो ऑनलाइन एग्जाम होने जा रहा है। अगर आपने भी अग्निवीर आर्मी में ऑनलाइन एग्जाम देना है तो सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए। सिलेबस पता होगा तभी आप तैयारी कर पाओगे, ठीक है। अगर सिलेबस नहीं पता होगा तो तैयारी क्या करनी है, पता होना चाहिए कि क्या आएगा एग्जाम में, कितने क्वेश्चन जनरल नॉलेज के आएंगे, कितने रीजनिंग के आएंगे, कितने मैथ के आएंगे, ये सब कुछ आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सिलेबस का पीडीएफ भी उपलब्ध करवाऊंगा। वीडियो पूरी देखें जिन्होंने अग्निवीर की भर्ती देखनी है, ऑनलाइन एग्जाम जिन्होंने देना है। चलो अब वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको टेक्निकल ट्रेडमैन और क्लर्क का सिलेबस चाहिए नीचे कमेंट कर देना। अगर आपको बुक के ऊपर वीडियो चाहिए कि जीडी के लिए, अग्निवीर जीडी के लिए अच्छी बुक कौन सी है उस पर वीडियो चाहिए, टेक्निकल पे चाहिए, तो नीचे भर भर के कमेंट करो, तो जल्दी से जल्दी मैं वीडियो लेके आऊंगा। जीडी की अच्छी बुक, टेक्निकल की अच्छी बुक और ट्रेडमैन क्लर्क की अच्छी बुक जल्दी आएगी वीडियो अगर कमेंट करोगे तो। दोस्तों आपको पूरा पैटर्न बताया जाएगा जीडी का, ठीक है। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं, पहले आपको आएगा जीडी का जो मैं सिलेबस बता रहा हूं, आपको जनरल नॉलेज आएगा। जनरल नॉलेज के आपको 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और 30 नंबर होंगे। आपको मैं बताऊंगा कि जनरल नॉलेज में आपको क्या क्या पढ़ना है वो भी इसी वीडियो में बताऊंगा, वीडियो पूरी देखना। और उसके बाद जनरल साइंस में आपको 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और 30 नंबर होंगे। एक क्वेश्चन 2 नंबर का है आपका, ठीक है, बात ध्यान में रखना, एक क्वेश्चन 2 नंबर का है। आपको पीडीएफ भी उपलब्ध करवाऊंगा। उसके बाद मैथ में आपको 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे 30 नंबर के। उसके बाद आपको लॉजिकल रीजनिंग में आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे 10 नंबर के। आपको 50 क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, आपका एग्जाम 100 नंबर का होगा। 50 टोटल क्वेश्चन आएंगे और नंबर 100 होगा। देखिए दोस्तों टॉपिक वाइज आपको जहां पर बताया हुआ है, जहां पर आपको जनरल नॉलेज में क्या पढ़ना है, जहां पर पूरा बताया हुआ है, ठीक है दोस्तों, ठीक है। जनरल नॉलेज में देखिए दोस्तों आपको हिस्ट्री और भी सब कुछ पढ़ना है, स्पोर्ट्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है, प्राइस के बारे में पढ़ना है और डिफेंस के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है, और ज्योग्राफी भी आपको पढ़नी है। दोस्तों इसका पीडीएफ चाहिए, देखिए आपको सिलेबस का पीडीएफ जहां पर मिल जाएगा, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक हियर पर, तो आपको डाउनलोड कर सकते हो, आप अपना पीडीएफ देखिए, आपका सिलेबस आपको मिल जाएगा और जहां पर आपको बताया हुआ है कि आपको कैसे क्या पढ़ना है, जनरल नॉलेज में साइंस में क्या क्या पढ़ना है इधर बताया हुआ है, और मैथ में क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से चैप्टर आएंगे, रीजनिंग में। तो मैं डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में जहां से आप कमेंट करते हो वहां पर लिंक दे रहा हूं, सीधा आप दोस्तों सीधा आप डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा और फर्स्ट कमेंट में, उस पर क्लिक करोगे सीधा आप उस वेबसाइट पर पहुंच जाओगे जहां से मैंने अभी डाउनलोड किया है, आपको लिंक मिल जाएगा, आप उधर से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। अभी मैं आपको फिर से बता देता हूं दोस्तों, डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में जो लिंक है उस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा, तो आपको जहां पर सिलेबस दिख जाएगा क्वेश्चन कितने नंबर के, और जहां पर नीचे आपको क्लिक हियर का ऑप्शन आ जाएगा सिलेबस डाउनलोड का, अगर आपको जहां पर नहीं आता तो जहां पर भी मिल जाएगा, और आपको जहां पर नीचे भी मिल जाएगा और जहां पर नीचे भी मिल जाएगा, आपको काफी लिंक मिल जाएगा, आप कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हो, नहीं तो इस पर भी आपको मिल जाएगा टॉपिक वाइज क्या पढ़ना है आपको। तो आप डाउनलोड करें, अपनी अच्छी तैयारी करें, बुक कौन सी चाहिए उस पर वीडियो चाहिए तो कमेंट कर दें। जय जवाहर।